युद्ध तो होंगे ही, खून खराबा तो होगा ही, अन्यथा ये अदूरदर्शी चरित्र अपना खत्म करो, बंद करो। ये क्या है एनआरसी, ये क्या है सीए। भारतवर्ष की पवित्र वसुंधरा का आदर्श रहा है, इस धरती को भारत माता कहा जाता है। इस पूरी धरती पर जितने भी देश या राष्ट्र हैं, भारत माता की गोद में पूरी धरती की पीड़ित मानवता ने शरण पाई है। लेकिन आज वर्तमान में भारत माता के सम्मान को घटाने के लिए आमादा अदूरदर्शी वर्तमान की केंद्र सरकार अपने संकुचित मानसिकता का परिचय दे रही है। यदि हम में बड़प्पन है, यदि हम में प्रेम करने की सामर्थ्य है, यदि दुनिया में हमको अनीति को ठीक करना है, अन्याय के विरुद्ध यदि हमको वास्तव में पूरे संसार में न्याय की स्थापना करनी है, तो हमको प्रेम की सामर्थ्य बढ़ानी होगी। यदि हम प्रेम करने की सामर्थ्य बढ़ा लेंगे, इस धरती पर नियम रहा है सनातन से, वैदिक नियम रहा है, दंड देने का अधिकार उसी को है जो अतिशय मोहब्बत करना जानता है। एक जननी होती है जो अपने लाला को कान पकड़ के थप्पड़ लगा सकती है, लेकिन वो अपने जिगर के टुकड़े से बहुत प्यार करती है। इस भारत माता की गोद में दुनिया तमाम की पीड़ित मानवता ने शरण पाई है। यदि हमने अपने बड़प्पन को जब जब छोटा किया है, तब तब इस समाज में विखंडन पैदा हुआ है। संपूर्ण धरती पर एकमात्र सनातन धर्म था, लेकिन हमारी संकुचित और स्वार्थी मानसिकता ने ना जाने धर्म के नाम पर कितनी शाखाएं निकाल दी, और आज वो शाखाएं हमारे लिए कांटे बनकर चुभ रही हैं। कारण है कि हमने प्रेम नहीं किया है लोगों को, प्रेम से उनको संस्कारित नहीं किया है, उनके आंसू नहीं पोंछे हैं, उनकी आवश्यकताएं नहीं पूरी की हैं। यदि हम इतने पोटेंशियल थे, इतने उत्पादक थे, जिस देश में उगने प्रकृति का सहयोग नहीं है, नौ नौ महीने बर्फ पड़ी रहती है, उत्पादन नहीं है, तो उनको समझाते कि भैया तुम गलत जगह क्यों रहते हो, उनको प्रेम से सही ठिकाने पर रहने की शिक्षा देते, इंतजाम करते, और यदि वो फिर आपके सत्कर्म से कृतज्ञ होते तो आपके प्रति निश्चित वो नतमस्तक होते। यदि हम कभी जमाने में दुनिया भर में पूज्य और सम्मानित थे, तो अपने दिव्य गुणों के कारण थे, हम अपने प्रेम के कारण थे, हमने पूरी दुनिया की चिंता की थी। भारतवर्ष की संस्कृति में रोटी नहीं बिकती थी, दवा नहीं बिकती थी, भारतवर्ष की संस्कृति में विद्या नहीं बिकती थी, लेकिन वर्तमान के बाजारवाद ने, इन बनियों ने, इन बाजारवादियों ने, ये जो वर्तमान में पूरी सत्ता पे छा गए हैं, बेचने वाले हर चीज को बेच रहे हैं, इनको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत की संस्कृति को बचाना है तो ये बाजारवाद जो दुनिया में पनपा है इन लुटेरों के द्वारा, चोरों के द्वारा, इस बाजारवाद को खत्म करना होगा, और संपूर्ण धरती पर एक परिवारवाद, एक पारिवारिक व्यवस्था की स्थापना करनी होगी। परिवार संस्था के अंदर क्या माता अपने बच्चों को रोटी बेचती है? क्या एक पिता अपने बेटे के लिए कोई दुकानदारी करता है? कदापि नहीं। इस संपूर्ण धरती को यदि मानव सभ्यता की सुरक्षा चाहिए, और इस धरती पर बारूद के ढेरे पर बैठिए 8 अरब मानव सभ्यता यदि बचानी है, तो इस बाजारवाद को खत्म करो। दुनिया भर की संपदा, सार्वजनिक जीवन की संपदा पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा, युद्ध तो होंगे ही, खून खराबा तो होगा ही, अन्यथा ये अदूरदर्शी चरित्र अपना खत्म करो, बंद करो। ये क्या है एनआरसी, ये क्या है सीए। अरे मेरे समझ में नहीं आता, तुम लोग यदि इस तरह की जो गंदी राजनीति कर रहे हो, अरे पूरी दुनिया में जो पीड़ित लोग हैं, हम तो बचपन से प्रार्थना करते आ रहे हैं, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे, हम दीन दुखी निवलों बिकलों के सेवक वन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार वर्षावे, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस पुण्य धरा पर जन्म लिया बलिदान इसी पर हो जावे। यदि हम अन्याय को मिटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अज्ञान को मिटाइए, अज्ञान के मिटते ही अन्याय मिट जाएगा, क्योंकि न्याय बोध होते ही व्यक्ति न्याय पूर्वक जीने लगेगा, उसको समझ में आ जाएगा
वेद का संदेश अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये भारत की सनातन संस्कृति का वैदिक उद्घोष है। सृष्टि में कोई ना गैर है ना कोई और है, लेकिन यहाँ की आध्यात्मिक जो उत्कर्ष हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया है राजनीति ने। भगवा पर भी राजनीतिकरण हो गया है, भगवा को भी छोटा कर दिया है, इसको भी भुना रहे हैं ये स्वार्थी राजनेता। आखिर इस सकीर फकीरी को जो दुनिया में समाधान देती है गीता माता, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयोचा निर्ममो निरहंकारः शम दुःख सुख क्षमि। अरे जिस त्याग से संपूर्ण संसार में समाधान मिलता है, ये नेता जिस समाज को नेतृत्व करते हैं ये स्वयं भोगोन्मादी बनकर के समाज को दिग्भ्रमित करते हैं और भोगोन्माद को फैला रहे हैं। प्रकृति को नोच डाला तुमने, खुद डाले पहाड़, सुखा डाली नदियां। कौन सा ऐसा नेता है, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कुकर्म नहीं कर रही है, नेचर को नहीं नोच रही है? अरे बंद करो अपने कुकर्मों को और सार्वजनिक संपदा को सार्वजनिक जीवन के लिए सुरक्षित रहने दो, अन्यथा जिस संपत्ति को तुम कमा रहे हो कालिदास रोग से ग्रसित लोगो, एक दिन तुम जब मरोगे तो कुछ नहीं ले जाओगे हाथ में। इसलिए संत तुलसी कहते हैं मन पछते ही अवसर बीते दुर्लभ देह पाए हरि पद भज कर्म बचन रहिते सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते अहम हम कर धन धाम समारे अंत चले उठ रीते। और हम इन कट्टर सांप्रदायिक और धर्मोन्मादियों को भी कहना चाहते हैं कि पागलों की तरह धर्म के नाम पर उन्माद मत फैलाओ। अरे पहले इंसान बन जाओ, इसके बाद हिंदू और मुसलमान की परिभाषा समझ में आएगी। जब तक तुम हिंसक प्रवृत्ति को दूर नहीं करते तब तक तुम कैसे हिंदू? हिंसक प्रवृत्ति को दूर करो। अरे व्यक्ति बुरा नहीं होता है, वृत्ति बुरी होती है। यदि उस वृत्ति में असुरत्व है तो उस वृत्ति को तुम ठीक करो तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। और जिस दिन तुमने वृत्ति पर प्रहार किया उस दिन व्यक्ति अपने आप सुंदर बन जाएगा। इसलिए हिंदुओं, हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वालों, शिक्षा विधि को ठीक करो, संस्कारित करो लोगों को। और नियम है कि जब किसी अबोध को प्रबोधन दिया जाता है तो उसके प्रति बहुत ही अपनेपन के साथ, आत्मीयता के साथ, जैसे एक छोटे शिशु के साथ माता पिता का बर्ताव होता है, इसी प्रकार से गुरुत्व को धारण करने वाला भारत और भारत की संस्कृति दुनिया भर के अबोध लोगों को, हम तो कहते हैं वयम अग्रे चलिष्यामः चलिष्यामः निरंतरम दुर्ज अबोधानां बोधयिष्यामः वर्धयिष्यामः च सद्गुणान। भारत माता की जय।